नमस्कार माँ जी। नमस्ते, जीते रहो बेटा। हेलो किशन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खुश हो। आओ बेटे, आओ बैठो। पहले ये बताओ किशन कि क्या पियोगे, चाय ठंडा? नहीं बस कुछ नहीं माजी, धन्यवाद मैम। अरे भैया कुछ पी लो, इसी बहाने मुझे भी कुछ मिलेगा पीने के लिए, और वैसे भी ये पहली बार तुम्हारी आओ भगत कर रही है, पी लो। तुम्हें ये सब कुछ अजीब सा लग रहा होगा ना किशन, मैं खाम का तुमसे चिढ़ा करती थी। जब तुम आते थे तो मुंह बनाया करती थी, मुझे अपने उस बर्ताव पर बेहद अफसोस है। आप परायों जैसी बातें कर रही हैं अम्मा जी, आप बड़ी हैं मुझसे, माँ के बराबर हैं, और मैं बचपन से आया करता हूँ इस घर में। वो तो ठीक है, लेकिन आज तुम बुलवाए गए हो, कुछ खास बात है, मैं ना तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप ही कहो ना। लो, कल तक तो कह रही थी कि तुम कहोगी, आज आप ही कहो ना, आप ही कहो, आप ही कहो ना। बात क्या है, जरा मैं भी तो सुनूं। किशन, रवि की असलियत हम सब जान चुके हैं, उसने शीतल के साथ जो कुछ भी किया वो। माँ जी, वो सिर्फ एक हादसा था, सिर्फ महज एक हादसा था, वो इतना बुरा आदमी नहीं है, वो दिल का बहुत अच्छा, वो सुलझा हुआ आदमी है। आप लोग प्लीज उसके बारे में कुछ बुरा मत सोचिए। रवि जैसे आदमी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है मैं जानती हूँ, और तुम क्या हो ये भी मैं समझती हूँ। तुम्हारी नेकी और शराफत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुझे बेहद अफसोस है कि मैं तुम्हें पहले नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं, देर से ही सही, समझ में तो आ गई ना। अब ये बात उसे भी समझा दो और किशन का मुंह भी मीठा। किशन, तुम्हारा और राधा का मेल जोल मुझे पहले ही पसंद नहीं था, मगर अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम उसे कहीं बाहर ले जाओ। वो बहुत दुखी है, उसका दिल भी बहल जाएगा। रवि और राधा का रिश्ता अब नहीं हो सकता। मैं चाहती हूँ कि तुम से। हेलो किशन। हेलो राधा। आओ बेटी। Go ahead, have a nice time. मुझे बाहर नहीं लेके जाओगे? बेशक राधा, आओ चलते। बाय मम्मी, बाय पापा। Go ahead, yes, bye bye. क्या हुआ राधा? हम लोग कितनी बार आए हैं ना यहाँ पर एक साथ, मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, पता नहीं क्यों आज मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, मैं बयान नहीं कर सकता। इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है, माँ ने तो खुलकर अपनी मन की बात कह दी है, समझना चाहो तो फिर भी। हाँ, ये सिचुएशन थोड़ी ऑड सी है, क्योंकि आज तक जो टोक रही थी उसने खुद ही मुझे तुम्हारे साथ भेज दिया है। किशन, मैंने अपने मन से रवि को निकाल दिया है, अब उसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और माँ ने ये समझ लिया है कि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। मैं जितनी खुश तुम्हारे साथ रहती हूँ वो दोस्ती नहीं, प्यार है, इसका एहसास माँ ने मुझे दिलाया है। ये तुम्हारी माँ सोच रही है राधा, क्या तुम भी? हाँ किशन, अब मैं भी इस एहसास को समझने लगी हूँ, मानने लगी हूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। हाँ किशन, मुझे तुमसे प्यार है, माँ ने अपनी मन की कह दी, मैंने मन की मान ली,
अब तुम्हारे मन में भी वो लोकेशन? राधा ये क्या बात हुई, यूं इस तरह अचानक? किशन तुम्हारे जवाब की कोई जल्दी नहीं है मुझे, लेकिन जवाब देने के पहले तुम इतना जान लो, रवि के बारे में मत सोचना, क्योंकि तुम मुझे अपना या ना अपना, मैंने रवि से रिश्ता तोड़ दिया है। मैं रवि की कभी नहीं हो सकती। बाय किशन। रवि की कभी नहीं हो सकती। राधा के बगैर एक एक पल एक सदी की तरह गुजर रहा है। रवि जैसे आदमी की तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है मैं जानती हूँ। तुम्हें राधा और मेरे बीच की गलत फहमी को दूर करना होगा। तुम्हारी नेकी और शराफत की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मैंने रवि से रिश्ता तोड़ दिया है। वादा करते हो ना? परेशान तो बताइए ना, क्या परेशानी है आपको? अब क्या बताऊं? नहीं, कौन सी बात पे राधा मुझसे नाराज हो गई? ना मुझसे बात करती है, ना मिलना चाहती। मेरी समझ में नहीं आता क्या कंफ्यूजन। मैं पता करके बताती हूँ भैया। प्यार में कभी कभी तकरार, लड़ाई, झगड़ा ये सब तो होना ही चाहिए, लेकिन जब ये ड्यूरेशन बढ़ जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। आई अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। मैं भाभी को ऐसे बना कर लेकर आती हूँ। रूपाली तुम नहीं जाओगी? भैया मैं जाऊंगी और भाभी को मना कर लेकर आऊंगी। अरे अरे रूपाली सुन तो। अरे अरे मेरी भाभी, भाभी, भाभी कहाँ हो? भाभी, भाभी। नमस्ते आंटी। आंटी मालूम हुआ है कि भाभी मेरे भैया से नाराज हैं और मैं उनकी नाराजगी की वजह भी जान चुकी हूँ। क्या जानती हो तुम? यही कि इंतजार बहुत लंबा हो चुका है। भाभी चाहती हैं कि वो अपने मायके को छोड़कर जल्द से जल्द अपने ससुराल आ जाए। भैया की कसम भी पूरी हो चुकी है, बस मम्मी की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो फिर आप मुहूर्त निकाल कर अपनी बेटी के हाथ तीले कर कर हमारे घर भेज दीजिए। भैया की शादी हो जाएगी तो फिर किशन जी की भी चुप्पी टूट जाएगी और किशन जी मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह देंगे। लेकिन मेरी भाभी है कहाँ? रूपाली अब तुम्हें राधा से मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटी मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा दिल टूटे, तुम्हारे सपने बिखर जाएं, लेकिन जो सच है उसे कब तक छुपाया जा सकता है? कैसा सच? वो सच जिसे जानकर तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आंटी क्या कोई सीरियस बात है? हाँ, शीतल अपने जिस प्रेमी का नाम अब तक छुपा रही थी, शीतल को जिसने धोखा दिया वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई रवि है। नहीं आंटी ऐसा नहीं हो सकता, मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। ये सच है, अब मेरी बेटी राधा तुम्हारी भाभी नहीं बन सकती। आंटी आंटी प्लीज ऐसे मत कहिए। हम तो रिश्ता तोड़ने के लिए कब से तैयार हो चुके थे, लेकिन तुम्हारी मम्मी की बीमारी की वजह से हम लोग चुप थे। हम ये नहीं चाहते थे कि रवि इस बात को जानकर कोई बखेड़ा खड़ा कर दे और तुम्हारी माँ को सदमा पहुंचे। आंटी मैं अपने भैया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है
तो जाकर पूछो अपने भैया से। और हाँ, अब तक तुम जिस गलत फहमी का शिकार हो ना, उसका भी मैं खुलासा कर देना चाहती हूँ। ना तो किशन तुमसे प्यार करता है और ना ही वो तुमसे शादी करेगा। किशन की शादी राधा के साथ होगी, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं। समझ गए, आप सब ने मिलकर मुझे और मेरे भाई को धोखा दिया। धोखा हमने दिया है या तुम्हारे भाई ने? कि जाकर पूछो उससे तुम। ए, क्या हुआ, तुम तो राधा से मिलने गई थी। भैया, मैं आपसे जो भी सवाल पूछने वाली हूँ उसका जवाब मुझे सिर्फ हाँ या ना में चाहिए। अरे, ऐसी भी क्या बात है? भैया, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन भैया मैं सिर्फ जानने के लिए जानना चाहती हूँ, क्या आपके और शीतल के बीच में कोई संबंध है? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर भैया, मैं जानती हूँ आपके और शीतल के बीच में कोई संबंध नहीं हो सकते, लेकिन सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए प्लीज जवाब दे दीजिए। देखो रूपाली, मैं भैया बिना कोई सवाल किए क्या आप मुझे जवाब दे सकते हैं? शीतल के साथ मेरा न तो कोई संबंध था और ना ही। ऑलराइट, मैं फिर भी ये जानना चाहूंगा रूपाली कि तुमने ये सवाल क्यों किया। भैया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बिना कोई सवाल किए आप मुझे जवाब दे दिए और आपने दे दिया। हेलो, राधा से मैं बात कर सकती हूँ? राधा मैम साहब घर पे नहीं है। कहाँ गई हैं? किशन साहब से मिलने उनके घर गई हैं। थैंक यू। राधा, मैंने जब से तुम्हारे सामने अपने दिल का इजहार किया, मेरा दिल अपने काबू में नहीं है। मैं बहुत बेचैन सा रहता हूँ। एक तरफ तुम्हारे जज्बात हैं, दूसरी तरफ रवि को दिया वो वचन, वो वादा, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे उससे आंख भी मिलानी है राधा। मैं जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था महज, उसमें रवि का इतना कसूर नहीं है। तुम उसके दिल पे क्या बीत रही होगी ये भी तो सोचो राधा। राधा, रवि दिल का बुरा आदमी नहीं है। जो कुछ भी हुआ महज एक हादसा था, तुम्हें उसकी बात सुन लेनी चाहिए राधा। उससे शादी कर लूं? रवि की इतनी परवाह तुम्हें कब से होने लगी किशन? उसका दिल टूटने का एहसास है तुम्हें? कभी मेरे दिल के बारे में सोचा है? नहीं सोचा होगा। शायद इसलिए तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो। ये सच नहीं है राधा। तो फिर कहते क्यों नहीं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम्हारे दिल की बात आज मैं तुम्हारी जुबान से सुनना चाहती हूँ। लेकिन राधा, किशन अब भी तुम चुप रहे तो मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करना पड़ेगा। नहीं राधा, प्लीज प्लीज। तो फिर मेरे सर पर हाथ रख कर कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। अपनी कसम मत दो राधा, प्लीज राधा प्लीज, मुझे फोर्स मत करो। किशन, अब तक तो फोर्स नहीं किया, लेकिन अब लगता है करना ही पड़ेगा। प्लीज मेरी खातिर कह दो तुम्हें मुझसे प्यार है या नहीं। मुझे तुमसे प्यार है राधा,
मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन रवि को जो वादा किया किशन, रवि के दिए हुए वादे की फिक्र है तुम्हें? वो अब किसी के प्यार के काबिल भी नहीं रहा। कभी मेरे दिल के बारे में, मेरी अरमानों के बारे में, मेरे प्यार के बारे में सोचा है? लेकिन तुम्हारी जुबान से मेरे लिए ये सुनना ही काफी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार करना ही होगा, मैं जानती हूँ। तुम? हाँ मैं, राधा। आज तक जो तुम मुझसे छुपाती रही हो वो मैं जान चुकी हूँ। मेरे लाख पूछने पर भी तुमने नहीं बताया कि किशन किससे प्यार करता है, और बताती भी कैसे कि वो तुम हो। तुम दोनों ने मिलकर हम सबको धोखा दिया है। हमने किसी को कोई धोखा नहीं दिया है। अगर तुम दोनों के बीच में प्यार था तो तुमने सबको बताया क्यों नहीं? क्या ये धोखा नहीं है, फरेब नहीं है? और ये शराफत का नकाब पहनकर तुम्हारे साथ नाजायज रिश्ता? रूपाली, चिल्लाओ मत राधा। किशन के साथ अगर तुम्हें प्यार था तो तुमने मेरे भैया के साथ सगाई क्यों की? तुमने मेरे भैया को धोखा क्यों दिया? तुम एक वेश्या से भी गई गुजरी हो। खामोश। अगर एक लफ्ज भी राधा के खिलाफ और कहा, ज़बान खींच लूंगा तुम्हारी मैं। ऐसी औरत के लिए तो मुझ पर चिल्ला रहे हो? अगर भैया को पता चल गया ना तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। तुम दोनों ने मिलकर मेरे भैया को धोखा दिया है। तुम्हारे भैया ने धोखा दिया है, और एक को नहीं, दो दो को, शीतल को और राधा को। सुना तुमने? मेरे भैया ने किसी को धोखा नहीं दिया, ये तुम दोनों की स्टोरी है। मेरे भैया इनोसेंट है, मैं उनसे पूछ चुकी हूँ। मेरे भैया का शीतल से कोई रिश्ता नहीं था और ना ही है। मैं अभी भैया को सब कुछ आकर बता दूंगी कि तुम दोनों के बीच में क्या रिश्ता है।